गुड इवनिंग स्टूडेंट, तो हमने स्टार्ट कर रखा हुआ है डेफिनेट इंटीग्रल एंड द लिमिट ऑफ सम। पिछले लेक्चर में हमने इसके दो क्वेश्चन किए थे, शायद आप लोगों को समझ में आया है। एक और क्वेश्चन आप लोगों की थी, इस्तेमाल तभी करना होता है जब ये लिखा हुआ है कि लिमिट ऑफ सम। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले शुरू कहां से करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे a to b fx dx equal to limit x tends to 0 x f of a plus x f of a plus 2h f of a plus 3h f of a plus nh, where h equal to b minus a upon n। तो सारा खेल इस फॉर्मूले का होता है। ओके बच्चों, तो इसका कंपैरिजन करेंगे तो fx कौन बनेगा, x square plus 5x, ये हमारा fx है। a की वैल्यू कौन बनेगा 1, b की वैल्यू कौन बनेगा 3, इससे h कितना बन जाएगा 3 minus 1 2 upon n, it means n h equal to 2। तो सबसे पहले इसमें a और b की वैल्यू पुट करते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 से 3 fx dx लिमिट x tends to 0 h, a की लेंगे 1 plus h 1 plus 2h 1 plus 3h 1 plus nh। ओके, और देन अब a की वैल्यू पुट करने के बाद आप इस फंक्शन की वैल्यू पुट करें, 1 से 3 फंक्शन क्या है आपका x स्क्वायर प्लस 5x, और इन सभी जो फंक्शन है इनकी वैल्यू पुट करते चले, लिमिट x टेंड्स टू 0 h, आपको कुछ नहीं करना है इस फंक्शन में x का रिप्लेसमेंट इनसे कराते हुए चलना है। तो अच्छी तरह से लिखना 1 plus h square plus 5 1 plus h, ब्रैकेटों का ध्यान रखना प्रॉपर। सेकंड फंक्शन के लिए 1 plus 2h square 5 1 plus 2h, इसके लिए 1 plus 3h square 5 1 plus 3h प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसके लिए 1 प्लस एन एच स्क्वायर 5 1 प्लस एन एच, प्लस फंक्शंस की हमने वैल्यू पुट कर दी है। क्लियर, अब आगे का इसका काम कैलकुलेशन वाला, लिमिट एच टेंस टू 0 एच। बेटा पहले इसको सिंप्लीफाई करें, 1 एच स्क्वायर 2h, a plus b का स्क्वायर 5, 5h, इसका स्क्वायर बोलोगे a स्क्वायर b स्क्वायर plus 2ab 4h, 5 plus 10h, इसका स्क्वायर बोलेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर plus 2ab 6h, 5 plus 15h plus, इसका स्क्वायर बोलोगे तो 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab nh 5 5h, ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, हमने स्क्वायर का सिंप्लीफिकेशन कराया है। लिमिट x टेंड्स टू 0 h h स्क्वायर 5 और 2 7h प्लस 6, तो ये जो पहला वाला जो था फंक्शन उसकी वैल्यू इतनी बनी, प्लस सेकेंड वाला बनाओ 4 एच स्क्वायर 5 4 और 10 14h प्लस 6, थर्ड वाला सिंप्लीफाई करो 9 एच स्क्वायर 15 और 6 21h प्लस 6, इस तरह से लास्ट वाला एन स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2nh 5nh 7nh प्लस 6, इस तरह से हमने ये तीन हिस्सों में बनाए। एच स्क्वायर वाला पार्ट होगा, एक होगा एच वाला पार्ट होगा, और थर्ड इज ओनली कॉन्स्टेंट वाला पार्ट होगा। तो इनको अलग अलग करते चले, लिमिट एच टेंड्स टू 0 h, इस एच स्क्वायर वाले में से तो सब में से एच स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 1
फोर का मतलब टू स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर लिख दे, नाइन का मतलब थ्री स्क्वायर एन स्क्वायर, इधर से आ जाओ यहां पर सेवन इंच को बना जाएगा, सेवन इंच कॉमन ले लोगे तो वन, सेवन इंच कॉमन ले लेंगे तो टू, थ्री और सेवन इंच कॉमन आ जाएगा तो एन। तो सीधी सी कैलकुलेशन चल रही है, इतनी बस एन चलाना पड़ेगा, थर्ड वाले में से सिक्स कॉमन आ जाएगा तो ये वन 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 और लास्ट में भी वन। तो इस तरह से एक हिस्सा एच स्क्वायर वाला बना, एक हिस्सा एच वाला बना और एक हिस्सा कॉन्स्टेंट वाला बना। और बेटा हम तीनों के फॉर्मूले जानते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच एच स्क्वायर इनटू इसका फॉर्मूला क्या होता था, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, सेवन एच इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन एन प्लस वन अपॉन टू और सिक्स, ये क्या होता है आपका। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, सही तरीके से ध्यान दें, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, ये जो लिखा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एच इंटू एन एच और एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स प्लस एन एच सेवन एन एच एन प्लस वन अपॉन टू सेवन एन एच एन प्लस वन और एच सिक्स एन। और सबसे पहले पुट एन एच इक्वल टू ओके, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, एच इस एन एच की जगह पर टू पुट कर दीजिए, एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स प्लस इसकी जगह पर सेवन इंटू टू, सेवन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन टू प्लस सिक्स एन। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द वैल्यू ऑफ एन एच, इस टू से तो ये टू कैंसिल, क्या रहा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, एच एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन टू से कैंसिल हो जाएगा थ्री प्लस सेवन एन प्लस सेवन प्लस सिक्स एन। क्लियर, लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब ये जो वाला एच है ना बेटा इसको अंदर भेज दे तो यहां एच स्क्वायर हो जाएगा, एक एच तो इसके साथ भेज दो, एन एच प्लस एच इंटू दूसरा वाला एच इस ब्रैकेट में भेज दो टू एन एच प्लस एच अपॉन थ्री, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये वाला एच तो इसमें भेज दिया और ये वाला एच इसमें भेज दिया, इधर कितना हो जाएगा सेवन एन और सिक्सटीन थर्टीन एन, तो ये कितना हो जाएगा थर्टीन एन एच और प्लस सेवन एच आया, और पुट एन एच लिमिट एच टेंस टू जीरो एन एच की जगह टू प्लस एच टू इंटू टू फोर प्लस एच प्लस थर्टीन इंटू टू प्लस सेवन एच और लास्ट में जहां जहां एच लिखा है वहां जीरो, तो ये कितना हो जाएगा टू इंटू फोर टू इंटू फोर अपॉन थ्री और ए ट्वेंटी सिक्स, ऐसे में लीजिए थ्री तो कितना हो जाएगा एट प्लस सेवेंटी एट और सेवेंटी एट प्लस एट सिक्सटी एट्टी सिक्स अपॉन थ्री, ये इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, आया समझ में। एक बार दोबारा देख लीजिए फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें और इस एफ एक्स की वैल्यू, बाकी तो फिर इसका कैलकुलेशन पार्ट है जो आपको सही तरीके से हैंडल करना है, फिर वहां पर ये अरेंजमेंट होता है, इस अरेंजमेंट का प्रॉपर ध्यान रखना और बाद में एनएच की
हुए चलते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू।